डियर स्टूडेंट्स अवर ई वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द एग्जाम्पल ऑन मैग्जिमाइजेशन एल पी प्रॉब्लम तो आज के लेक्चर में हम मैग्जीमाइजेशन एल पी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रिगार्डिंग सेकेंड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे <coughs> क्या एग्जाम्पल यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोविंग एल पी प्रॉब्लम तो यहाँ आपके आपके पास एक एल पी प्रॉब्लम है क्या है यह एल पी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड इजल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स पहला दे रखा है आपके पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस दैन इक्वल टू टेन एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस दैन इक्वल टू सिक्स थर्ड दे रखा है एक्स वन माइनस एक्स टू इज लेस दैन इक्वल टू टू और फोर्थ दे रखा है आपके पास एक्स वन माइनस टू एक्स टू इज लेस दैन इक्वल टू वन एंड एक्स वन कॉमा एक्स टू इज टू जीरो तो कुल मिला ये आपके पास कंस्टेंट दे रखे और ये एक मैथमेटिकल मॉडल दे रखा है अब यहाँ पर आपको ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है और उसके बेसिस पर इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, सबसे पहला स्टेप है जो इनिक्वलिटी कंस्टेंट्स हैं इनको हम इक्वलिटी कंस्टेंट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम कॉर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट In equality constraints into equality and find coordinates. तो इसके लिए हम पहले बात करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आपके पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू टू टेन ठीक है यहां में एक्स टू को जीरो रखना है और यहां हमें एक्स वन को जीरो रखना है आप जब एक्स टू को जीरो रखोगे तो एक्स वन इजिकल टू टेन ही जाएगा तो पहला जो कॉर्डिनेट हो गया टेन कॉमा जीरो अब सेकेंड कॉर्डिनेट के लिए आपको एक्स वन को जीरो रखना है टू एक्स टू इजिकल टू टेन एक्स टू कितना हो गया टेन अपॉन टू एन एक फाइव तो कॉर्डिनेट आ गया जीरो कॉमा फाइव तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के दो कॉर्डिनेट सेट आ गए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू इजिकल टू सिक्स एक्स टू को जीरो रखना है यहाँ एक्स वन को जीरो रखना है जब आप एक्स टू को जीरो रखेंगे तो एक्स वन इजल टू सिक्स कोऑर्डिनेट हो गए सिक्स कॉमा जीरो अब आप एक्स वन को जीरो रखेंगे तो एक्स टू इज इजिकल टू सिक्स हो गया कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कॉमा सिक्स थर्ड की बात करते हैं थर्ड वन इज एक्स वन माइनस एक्स टू इजिकल टू टू एक्स टू को जीरो रखना है यहाँ एक्स वन को जीरो रखना है एक्स टू को जीरो रखिए तो एक्स वन हो, हो गया इक्वल टू टू कॉन्डेट होगा गया टी टू कॉमा जीरो अब आपको एक्स वन जीरो रखना है तो यहाँ माइनस एक्स टू जीवल टू टू आ रहा है तो एक्स टू जीकल टू जाएगा माइनस टू तो कौन डेट हो जीरो कॉम माइनस टू तो सेट आ गया दोनों टू जीरो और जीरो कॉमो माइनस टू फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं एक्स वन माइनस टू एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ, जीरो और फिर इसे जीरो रखना है पहले एक्स टू को जीरो रखा एक्स वन इक्वल टू वन फिर मैंने एक्स टू को अब एक्स वन को जीरो रखा तो देखो माइनस टू एक्स टू इक्वल टू वन है तो एक्स टू इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू हो जाएगा तो कॉर्डिनेट रहेगा जीरो का माइनस वन अपॉइंट टू तो इस तरह से आपके पास ये चारों कंस्टेंट्स के रेफरेंस में कॉर्डिनेट्स ऑफटेन हो गए अब क्या करना है अगले स्टेप में आपको आपको इन कंस्टेंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और फिजिबल रीजन का सेलेक्शन करना है ठीक है तो अगला स्टेप लेके चलते हैं सेकेंड स्टेप प्लॉट दिस कंस्टेंट्स ऑन ग्राफ एंड फाइंड फिजिबिल रीजन और फिजिबल रीजन के साथ साथ एक्सट्रीम पॉइंट्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे X1 और X2 एक्सेस पर इनको हम ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है दैट इज सिक्स और मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर माइनस वन बाई टू क्योंकि माइनस में भी है इसी वजह से हमें नीचे भी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा तो इस तरह से ध्यान रखते हुए हमें डायग्राम को फॉलो करना है तो ये मैं ऑरिजिन पॉइंट ले लेता हूँ दिस वन छः वैल्यू है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ भी दिखा देते हैं उसको ना वन टू और ये हाफ वैल्यू भी दिखा दें यहाँ पर ये पॉइंट हमारा रहेगा जहाँ से हम नेक्स्ट यानी कि एक्स वन को ऑप्टेंट करेंगे एक्स वन एक्सेस को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक्स वन एक्सेस को ड्रॉ कर देते हैं ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बस बहुत हैं ये पॉइंट्स हैं तो ये हो गई आपकी एक्स वन और ये हो गई आपकी एक्सेस एक्स टू ठीक है यहाँ इसके पॉइंट्स हैं ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सफिशियंट है ये ये वन टू ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाम दे देते हैं इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया आपका माइनस वन माइनस टू हो गया वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो इस तरह से हमारा ये पूरा डायग्राम यहाँ पर ड्रा हो चुका है एक मैंने बेस तैयार कर दिया है डायग्राम को ड्रा करने के लिए अब हमारे पास जो कंस्टेंट्स के कॉर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करे हैं उनके बेसिस पर हम इन कंस्टेंट्स को ड्रा कर लेते हैं जो फर्स्ट कंस्टेंट है एक्स वन प्लस टू एक्स टू इजगल टू टू इजगल टू टेन इसका पहला कंस्टेंट है टेन कॉमस जीरो ओके टेन कॉमस जीरो है तो इसका मतलब हमें टेन तक इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको हमें टेन तक एक्सपेंड करना होगा तो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ये हो गया एट ये हो गया नाइन और ये हो गया आपका टेन तो ये आपका एक्सपन हो गया कोई दिक्कत नहीं एट नाइन टेन ठीक है तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया टेन कम ज़ीरो ठीक है दूसरा पॉइंट आपके पास जीरो कमर फाइव जीरो कम फाइव ये पॉइंट आ गया इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू जिकल टू सिक्स तो कॉर्डिनेटर सिक्स कॉमा जीरो और जीरो कॉमा सिक्स तो ये तो हो गया आपके पास सिक्स कॉमा जीरो और ये हो गया जीरो कॉमा सिक्स इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं सो दिस इज द सेकेंड लाइन यू आर गेटिंग हेयर ठीक है जो आपके पास लाइन नंबर टू अब बात करते हैं लाइन नंबर थ्री की लाइन नंबर थ्री में पहला कोऑर्डिनेट है टू कॉमा जीरो दिस इज द टू कॉमा जीरो और दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास दैट इज जीरो का माइनस टू दिस इज जीरो का माइनस टू इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए और आप इसको ऊपर तक बढ़ा दीजिए जब आपके पास आ गई थर्ड लाइन थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन है गई आपके पास है ना फोर्थ लाइन में कॉर्डिनेट आपके पास वन कामा जीरो ये आ गया आपके पास वन कामा जीरो और दो जीरो काम वो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू का मतलब यहाँ से आपको करना है जीरो वन के बीच में पॉइंट फाइव पर यानी कि ये पॉइंट आ गया आपके पास ठीक है दिस द पॉइंट यू आर गेटिंग जो क्या जीरो कामस माइनस वन बाई टू इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए आपको फोर्थ लाइन को ड्रॉ कर देना है आपके पास आ गई फोर्थ लाइन तो इस तरह से आपके पास चारों लाइनें मिल चुकी हैं नाउ अब हमें देखना है फिजिबल रीजन कौन सा होगा फिजिबल रीजन के लिए सारी कंडीशन क्या है लेस देन इक्वल टू की हैं तो यू कैन चेक फर्स्ट लाइन द फर्स्ट लाइन यानी कि इस लाइन से अंदर का एरिया हमें रहना इसी रीजन में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है ठीक है अब बात करते हैं दूसरी लाइन की इस दूसरी लाइन से अंदर का एरिया तीसरी लाइन ये है इससे अंदर का एरिया ये वाला ये चौथी लाइन इससे अंदर का एरिया तो जो आपको बिल्कुल इनसाइड एरिया दिखाई दे रहा है वो फिजिबल रीजन को डिफाइन करेगा इसको मैं सेडिट कर देता हूँ आपके क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये बिल्कुल इनसाइड एरिया को डिफाइन कर रहा है ठीक है और ये जो बिल्कुल जो इनसाइड एरिया है इसे हम विजिबल रीजन की कैटेगरी में रखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये इस तरह से यहाँ तक ये यानी कि इसको एक बार मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ से यहाँ आए आप यहाँ से यहाँ मूव कर गए यहाँ से यहाँ मूव कर गए इसके बाद जन yellow याइन yellow और फिर ये straight लाइन दिस वन ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं कहूंगा क्या फिजिबल रीजन ठीक है फिजिबल रीजन में आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए एक तो आगे पास ये आया इसको नाम दे दिया मैंने ओ पॉइंट ये आया ए ये पॉइंट हो गया बी ये पॉइंट हो गया सी ये पॉइंट हो गया डी और ये पॉइंट हो गया ई e. ये हो गए इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स अब इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए तो ओ के तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जीरो जीरो ए के कोऑर्डिनेट्स ये वन पॉइंट है यहां पर तो इसके कॉर्डिनेट्स चाहेंगे वन कॉमा जीरो ठीक है बी के कॉर्डिनेट्स हम देख लेते हैं बी के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे देखो एक्स वन के करिस्पॉन्डिंग ये बैठ रहा है थ्री और एक्स टू करिस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है ये आ रही है वन तो इसके कॉर्डिनेट्स चाहेंगे थ्री कॉमा वन अब सी की बात करते हैं सी के कॉर्डिनेट्स देखो एक्स वन कास्पॉ आ रहा है ये फोर और x2 टू करिस्पॉन्डिंग ये आ रहा है दैट इज देख रहा है टू तो इसके कॉर्डेट्स आएंगे सी के फोर कॉमो टू एच डी की बात करते हैं डी के कॉर्डनेट्स एक्स वन पर आ रहा है ये टू और एक्स टू पर ये जा रहा है फोर ठीक है तो डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे टू कॉमो फोर और ई e के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जीरो कॉमो फाइव ठीक है तो इस तरीके से हमें यहाँ रीजन भी ऑप्टेन हो गया और एक्सट्रीम पॉइंट्स भी मिल गया तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या मिले हमें हमें मिले ए जीरो कॉमा जीरो कॉमा बी सॉरी ओ ओ जीरो कॉमा जीरो ए वन कॉमा जीरो बी थ्री कॉमा वन सी फोर कामर टू डी डी मिला आपको टू कामा फोर और ई e मिल गया आपको जीरो कॉमा फाइव तो इस तरह से आपको ये एक्सट्रीम पॉइंट्स यहां ऑप्टेन हो चुके हैं अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इन एक्सट्रीम पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुटअप करेंगे जेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हर एक्सट्रीम पॉइंट के रेफरेंस में और फिर उसको कंपेयर करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे तो यहां मैंने टेबल ड्रॉ कर रखी है जहां मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिफाइन कर रखा है ओ ए बी सी डी ई और उनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कॉमो एक्स टू को डिफाइन कर रखा है जो हमने ऑप्टेन किए हैं फिजिक रीजन की, की बेसिस पर और यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करना है जेड इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू के बेसिस पर तो पहले बात करते हैं ओ पॉइंट की तो ओ पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग जेड कितना जाएगा टू इंटू जीरो प्लस जीरो एंड दिस इज ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड टोटल हो गया इसका जीरो नाउ कम टू द सेकेंड वन जेड कितना जाएगा इसका टू इंटू वन और प्लस जीरो टू इंटू वन टू टू और प्लस जीरो टू प्लस जीरो कितना हो गया टू नाव कम टू द थर्ड वन कितना जाएगा टू इंटू थ्री प्लस वन टू इंटू थ्री कितना हो गया सिक्स और प्लस वन टोटल वैल्यू आ गई सेवन की ठीक है नाव कम टू द एक्स वन जैड इजिकल टू टू इंटू फोर और प्लस एक्स टू है टू टू इंटू फोर कितना जाएगा एट एट प्लस टू एजिकल टू हो गया टेन ठीक है नाव कम टू द डी पॉइंट डी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जेड इजिकल टू टू इंटू टू एक्स वन टू है और प्लस एक्स टू है फोर तो प्लस फोर हो जाएगा टू इंटू टू यानी कि फोर और प्लस फोर इट इज इक्वल टू एट ऐसे हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं ई पॉइंट की ई पॉइंट करस्पॉन्डिंग एक्स वन जीरो टू टू इंट जीरो एक्स टू फाइव तो प्लस फाइव हो गया ये टू इंटू जीरो जीरो और प्लस फाइव जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जेड की वैल्यूज़ को ऑप्टेन कर लिया है अब हमें देखना है कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन क्या है ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन है जेड को मैक्सिमाइज करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू है जेड की दिस इज इक्वल टू टेन ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो किसके करेस्पोंडिंग होगा इट विल बी करेस्पोंडिंग टू द एक्सट्रीम पॉइंट सी एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज टेन Which is corresponding? Which is corresponding? टू पॉइंट सी सो ऑप्टेमल सॉल्यूशन ऑप्टेमल सॉल्यूशन विल बी ऑप्टेमल सॉल्यूशन विल बी एक्स वन इज इक्वल टू फोर एक्स टू इज इक्वल टू टू And maximize z is equal to 10. So, this is the final answer of the given problem, and this is the optimal solution of the given linear programming problem. Okay, thank you.